सरसों का, बाजरे का, यह सीजन आ गया है उड़द का। ये हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है और ये हमारा चार पांच फसलों में हमारा ये काम करता है, जिसमें आपका गेहूं हुआ, सरसों हुआ और बाजरा हुआ, उड़द हुआ और मटरा चना, ये चार पांच फसलें ये हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर हमारा जो है निकालता है। अच्छा, हमारे इस थ्रेशर में ये खूबी है कि सबसे पहले आज की तारीख में किसान को इतनी जल्दी है कि वो गीले और सूखे का भी इंतजार नहीं करते इधर नहीं। और आपको ये बता दें कि हमारे अंदर इस थ्रेशर में सबसे बड़ी खूबी है कि महीन बारीक भूसा हमारा ये थ्रेशर देता है, और कंपनियों के पंजाब के हुए और जहां भी कहीं भी बनते हैं वो ज्यादातर मोटा भूस देते हैं, जिससे किसान को निकलवाने में बहुत दिक्कत आती है, किसान और ट्रैक्टर वालों को चलाने में दिक्कत आती है। हमारे इस थ्रेशर के अंदर ये खूबी है, बारीक भूसा देगा और बारीक भूसे की पूरी जिम्मेदारी है, और इसका जो है 4 बीघे से लेकर 7 बीघे तक इसका घंटे का एवरेज है इस वाले थ्रेशर का हमारे। और इसमें जो है हमारा जो है इसके अंदर देखिए, हम 4 शाफ्टों में हमने ये हड़म्पा थ्रेशर बनाया है, 4 शाफ्टों में है समझे, और इसमें लोड फ्री है हमारे इस पे ट्रैक्टर में, 3-3.5 लीटर घंटे में इसका ट्रैक्टर का एवरेज है इस पे लेता है। और हमारे इसमें जो है आपको मैं बताऊं, आपको एक चीज़ ये बता देता हूं, और थ्रेशरों में जो है व्हील हल्का आता है, व्हील नहीं आता, इसमें जो है हम बहुत हैवी वाला व्हील लगाते हैं इसके अंदर, हैवी वाला व्हील लगाते हैं, ये देखिए राउंड बना के हैवी वाला व्हील लगाते हैं इसके अंदर, इसकी एक सीजन की फुल गारंटी है। जैसा कि आप गारंटी की बात कर रहे हैं, अगर हमारा कोई किसान साथी आपसे थ्रेशर लेकर जाता है, और ऐसा बात है ये एक मशीन है ख़राब भी होती है, अगर जैसे उसके घर जाकर ये मशीन चलने के कुछ दिन बाद 1 साल के अंदर अंदर ख़राब हो जाती है, तो आप उसे सर्विस कैसे देंगे? देखिए, सर्विस हम उसके घर पर ही देंगे, अगर छोटा मोटा कोई फॉल्ट अगर आ जाता है तो हम उसको फ़ोन पर समझा देते हैं, कोई बड़ा फॉल्ट आता है तो हम उसको वहीं जाकर उसको ठीक कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हमने 3 फैन का, यह हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, 2 फैन हमारे एक तरफ है जिसमें भूसा निकलते हैं, 1 फैन हमारा इसके अंदर ये दिया है, ये गेहूँ को साफ करने वाला हमारा फैन है। दूसरी बात, इसके अंदर जो है हमने हैवी इसके अंदर शीट लगा रखी है, इसमें अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर हम लोहा लगाते हैं। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि 15 दिन का इसका जो सीजन आता है, 15 दिन में अगर एक दिन मशीन बंद रह गई तो कम से कम 15,000 रुपये का डेली का नुकसान है इसका, किसान का 15,000 रुपये का डेली का नुकसान है, जिसकी मशीन ने एवरेज दे दिया, ट्रैक्टर ने तेल कम खा लिया, वही कमा लेता, बाकी आदमी घर से दे देता। किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मयंक त्यागी में। आज हम आए हुए हैं अर्थात एग्रीकल्चर, ये पड़ता है हसनपुर रोड अलीपुर। यहाँ पर आपको थ्रेसर, रोटावेटर और इनके पास आपको एक गन्ना जोतने वाला रोटावेटर भी मिलेगा। हम आपको इनसे मिलाते हैं, जो इस कंपनी के मालिक हैं उनसे हम आपको मिलाते हैं। हमारे सामने हैं अरशद भाई जी। तो जैसा कि हम आपके पीछे ये देख रहे हैं थ्रेसर जी, तो हमारे किसान साथी आपका ही थ्रेसर क्यों ले? बाजार में और बहुत सारे थ्रेसर उपलब्ध हैं, आपके थ्रेसर में क्या क्या खासियत है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और हमारा जो है अरशद एग्रीकल्चर के नाम से हम लोग रूटर वेटर बनाते हैं, थ्रेशर बनाते हैं, और शुगर केन वाला, जिसे कहते हैं गन्ना बिनाई वाला रूटर वेटर बनाते हैं हम, और ये 7 फीटा 8 फीटा और ये जो है 6 फीटा रूटर वेटर, छोटे वाले ट्रैक्टर के रूटर वेटर हम लोग बनाते हैं। और हमारा जो है इस टाइम जो सीजन चल रहा है, एक तो गन्ने वाले रूटर वेटर का ये जो है गन्ना हमारा गन्ना बिजाई वाला रूटर वेटर, इसका सीजन चल रहा है। दूसरा, अब हमारे जो है इसका सीजन आ गया है गेहूँ का, सरसों का, बाजरे का, ये सीजन आ गया है उड़द का। ये हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है और ये हमारा 4-5 फसलों में हमारा ये काम करता है, जिसमें आपका गेहूं हुआ, सरसों हुआ और बाजरा हुआ, उड़द हुआ और मटरा चना, ये 4-5 फसलें ये हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर हमारा जो है निकालता है। अच्छा, हमारे इस थ्रेशर में ये खूबी है कि सबसे पहले आज की तारीख में किसान को इतनी जल्दी है कि वो गीले और सूखे का भी इंतजार नहीं करते इधर नहीं। और आपको ये बता दें कि हमारे अंदर इस थ्रेशर में सबसे बड़ी खूबी है कि महीन बारीक भूसा हमारा ये थ्रेशर देता है, और कंपनियों के पंजाब के हुए और जहाँ भी कहीं भी बनते हैं वो ज़्यादातर मोटा भूस देते हैं, जिससे किसान को निकलवाने में बहुत दिक्कत आती है, किसान और ट्रैक्टर वालों को चलाने में दिक्कत आती है। हमारे इस थ्रेशर के अंदर ये खूबी है, बारीक भूसा देगा और बारीक भूसे की पूरी जिम्मेदारी है, और इसका जो है 4 बीघे से लेकर 7 बीघे तक इसका घंटे का एवरेज है इस वाले थ्रेशर का हमारे। और इसमें जो है हमारा जो है इसके अंदर देखिए, हम 4 शाफ्टों में हमने ये हड़म्पा थ्रेशर बनाया है, 4 शाफ्टों में है समझे,
और इस पर लोड फ्री है हमारे इस पर ट्रैक्टर पर। 3-3.5 लीटर घंटे में इसका ट्रैक्टर का एवरेज है इस पर लेता है। और हमारे इसमें जो है आपको मैं बताऊं, आपको एक चीज़ ये बता देता हूं, और थ्रेशरों में जो है व्हील हल्का आता है, व्हील नहीं आता। इसमें जो है हम बहुत हेवी वाला व्हील लगाते हैं, इसके अंदर हेवी वाला व्हील लगाते हैं। ये देखिए राउंड बना के हेवी वाला व्हील लगाते हैं इसके अंदर। इसकी एक सीजन की फुल गारंटी है। जैसा कि आप गारंटी की बात कर रहे हैं, अगर हमारा कोई किसान साथी आपसे थ्रेसर लेकर जाता है, और ऐसा बात है ये एक मशीन है, ख़राब भी होती है, अगर जैसे उसके घर जाके ये मशीन चलने के कुछ दिन बाद 1 साल के अंदर अंदर ख़राब हो जाती है, तो आप उसे सर्विस कैसे देंगे? देखिए सर्विस हम उसके घर पर ही देंगे। अगर छोटा मोटा कोई फॉल्ट अगर आ जाता है तो हम उसको फ़ोन पर समझा देते हैं, कोई बड़ा फॉल्ट आता है तो हम उसको वहीं जाकर उसको ठीक कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हमने 3 फैन का, यह हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है। 2 फैन हमारे एक तरफ है जिसमें भूसा निकलते हैं, 1 फैन हमारा इसके अंदर ये दिया है, ये गेहूं को साफ करने वाला हमारा फैन है जी। दूसरी बात इसके अंदर जो है हमने हैवी इसके अंदर शीट लगा रखी है, इसमें अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर हम लोहा लगाते हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि 15 दिन का इसका जो सीजन आता है, 15 दिन में अगर 1 दिन मशीन बंद रह गई तो कम से कम 15,000 रुपये का डेली का नुकसान है इसका, किसान का 15,000 रुपये का डेली का नुकसान है। जिसकी मशीन ने एवरेज दे दिया, ट्रैक्टर ने तेल कम खा लिया, वही कमा लेता, बाकी आदमी घर से दे देता। किसान साथियों, हमारे सामने एक किसान है जो मुजफ्फरनगर से आए हैं, हम उनसे रिव्यू लेते हैं कि अरशद भाई का ये थ्रेशर कैसा काम कर रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। भाई इसका अरशद का थ्रेशर हम पिछले साल ले गए थे, बहुत अच्छा एवरेज रहा और मशीन बहुत ही बढ़िया निकली। अब भी हमने इसीलिए इनकी 2 बुक करी मशीन। आप रहने वाले कहाँ के? जी रहने वाले हम मुजफ्फरनगर के हैं जी, और गांव पुरबालियान। तो आपको पिछले साल कैसे पता चला था कि यहाँ पर थ्रेशर बनता है? ऐसा है, पिछले साल इनकी हम 7 की थ्रेशर लेके थे जी। अब का हमने इनका कटर लिया था पिछले साल, अब भी 2 कटर लिए। अच्छा काम कर रहा है? हाँ बेहतरीन काम कर रहा है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक इनकी सबसे अच्छी बात यह है, ये घर जाकर भी पता ले लें भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। और सर्विस में कैसा उपलब्ध कराते हैं सर्विस आप? सर्विस में ना फोन करो, तुरंत पहुंच जाते हैं। अगर जो कोई किसी चीज की दिक्कत हो या परेशानी हो, कोई पूछना हो, तो हाल में ऐसे कोई मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कोई हमारा किसान साथी नया थ्रेशर लेना चाहता है, तो आप उसे किस थ्रेशर लेने की सलाह देंगे, कौन सा थ्रेशर लेना? भाई मेरी राय तो यही है, और जो है अपने इलाके की बात है, अपने आस पास का मामला है, तो इससे अरशद से तो बढ़िया ही नहीं। भूस कैसा देता है? भूस बहुत अच्छा, बारीक भूसा है एकदम। भूसे में गेहूं तो नहीं फेंकता? नहीं नहीं नहीं, नाज भी साफ है, भूस भी अच्छा है। अपना फोन नंबर और बताइए आप, जिससे कि हमारे किसान साथी ये होते हैं कि इन्होंने कोई आदमी खड़ा करके बुला जी। जी नंबर लिख लो, 88-81-1916-32। आपके पास फोन भी आएगा तो आप बता देना कि कैसा काम कर रहा है थ्रेशर। जी जी जी, वो बता दिया जाए। किसान साथियों, हमारे सामने एक सादा थ्रेशर है, हमने आपको पहले मल्टी क्रॉप कटर की हमने आपको जानकारी दी। इस क्रॉप कटर से आप लेटा, गेहूँ, उड़द आदि निकाल सकते हैं, और ये दूसरा वाला जो है इससे सिर्फ आप गेहूँ की निकासी कर सकते हैं। इससे किस किस चीज की निकासी हो सकती है? देखिए ये गेहूँ के लिए स्पेशल है, गेहूँ के अलावा थोड़ा या उड़द निकाल लो या बाजरा निकाल लो, ये इससे जो है सरसों इतनी बढ़िया नहीं निकलती। सरसों के लिए तो आपको जो है मल्टी क्रॉप वाला ही लेना पड़ेगा, और इसकी गारंटी 1 सीजन की फुल है। अगर हमारा इस थ्रेशर पे देखो, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात यह है कि गीला लाख मिलता है, सूखा लाख नहीं मिलता, और दूसरी बात यह है डीजल इतना महंगा है आज की तारीख में कि जिसकी मशीन ने एवरेज दे दिया, ट्रैक्टर ने तेल कम खा लिया, वही कमा लेता, वरना फिर घर से दे देता आज की तारीख में। और हमारी गारंटी इस चीज़ की यह है थ्रेशर की कि ये अगर हमारा थ्रेशर किसी के थ्रेशर पे पिट भी गया तो हम वापस ले लेंगे अपना थ्रेशर, 1 सीजन की फुल गारंटी। इस थ्रेशर के कौन सा गियर बॉक्स आपने यूज किया है? इसमें ये इस वाले में गियर बॉक्स नहीं होता, ये सादा थ्रेशर है, ये डायरेक्ट पीट जोसेफ चलता है। इसके अंदर जो है 4 बेल्ट है, डबल बेरिंग लगाते हैं, और इसको हम डबल कटर में बनाते हैं। ये हमारा डबल कटर में है, ये जो कटर हमने ऊपर लगाया है ये गीले लाख में कामयाब होता है। वजह क्या है, गीला लाख जब मशीन के अंदर जाता है तो मशीन ऐसे करके लपेट लेती है, इससे ट्रैक्टर लोड मानता है, और जब लोड मानता है तो मशीन यहाँ से अंदर से भर जाती है, यहाँ से समझे गुज्जा मारती है, गुज्जा के दो अंदर से भरना के दो, तो इसकी वजह से ट्रैक्टर को लोड पड़ता है और मशीन का जो है संतुलन बिगड़ जाता है, जिसमें जो है किसान को दिक्कत आती है,
और उसका सीजन का नुकसान हो जाता है, इसलिए हमने एक कटर हम इसका ये लगाते हैं नीचे और एक कटर हम जो है ऊपर लगाते हैं, जिससे कि इसका नरम लाख को उसको जो है सॉफ्ट कर देता है और उसके अंदर टुकड़े कर देता है, जिससे मशीन को घूमने में आसानी रहती है। आप इस थ्रेसर के साथ किसान को कितने दिन की गारंटी देते हैं? इस थ्रेसर के हमारी एक सीजन की गारंटी होती है। ट्रैक्टर लोड मानेगा, निकासी कम देगा, नाच भूस बढ़िया नहीं देगा, या तो इस चीज की फुल गारंटी हमारी एक सीजन की। जैसे कि इस थ्रेसर से कोई किसान को थ्रेसर में कोई दिक्कत हो जाती है जी, जब उसका जो ठीक करने का जो सामान लगेगा, जो चार्ज लगेगा, वो किसान को देना होगा या सब फ्री? नहीं, वो उसकी एक सीजन की फुल सर्विस हमारी फ्री होती है जी। हाँ, लगभग एक साल की गारंटी होती है एक सीजन की जी। हाँ जी। किसान साथियों, हमने आपको एक मल्टी क्रॉप थ्रेसर दिखाया और एक दूसरा गेहूं स्पेशल थ्रेसर दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।